बी नेटवर्क में केवाईसी करने के लिए आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे कि बी नेटवर्क एप्लीकेशन, ट्विटर अकाउंट और उसके बाद क्रोम। सबसे पहले हम अपने बी नेटवर्क वाली एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। अब ओपन करने के बाद आपको बताता हूँ कि आपने केवाईसी करनी कहाँ से है। ओपन करने के बाद आपको बताता हूँ कि आपने केवाईसी कैसे करनी है, लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ, अगर आप इसकी डेली माइनिंग नहीं कर रहे तो आप माइनिंग करें और टीम बनाएं, क्योंकि जितनी आपकी टीम ज़्यादा होगी उतना ही आपकी स्पीड ज़्यादा होगी जी। तो केवाईसी करने के लिए आपने सबसे पहले प्रोफाइल में चले जाना है। जैसे ही आप प्रोफाइल में जाएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है जी केवाईसी वेरिफिकेशन का। तो केवाईसी करने के लिए आप जैसे ही केवाईसी वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको एक मैसेज आता है कि नेक्स्ट राउंड कमिंग सून। तो आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, क्योंकि आपका भाई मौजूद है और वो आपको बताएगा कि आपने केवाईसी 5 मिनट के अंदर अंदर कैसे करनी है। आपको एक ऑप्शन मिलता है इवेंट सेंटर का, आपने इसको ओपन कर लेना है। ये जो भी मैसेज आएगा आपको, आपने इसको गॉटेड कर देना है। आपने जो काम करना है वो ये है कि जो पहला आपको मैसेज दिया गया इसके ऊपर क्लिक करना है। मैसेज क्या है, गेट योर केवाईसी क्वालिफिकेशन एज सून एज पॉसिबल। इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा इवेंट डिटेल आ जाएगी मेरे सामने। अब इवेंट डिटेल क्या है जी, हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले हम फॉलो करेंगे ट्विटर पर बी नेटवर्क को और उसके बाद हम रीट्वीट करेंगे। तो ये सब कैसे करना है, सबसे पहले तो हम इसको कर लेते हैं फॉलो। तो फॉलो करने के लिए आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना, ये जो पहला मैसेज है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक है फॉलो और दूसरा है वेरीफाई। हम सबसे पहले फॉलो करेंगे फिर उसको वेरीफाई करेंगे। तो ये फॉलो के लिए मैं फॉलो के ऊपर क्लिक कर दूंगा। वैसे क्रोम पे मैंने अकाउंट ओपन कर तो लिया, लेकिन मुझे दोबारा से कहा जा रहा है कि आप यहाँ पर अपना क्रोम में अकाउंट दोबारा से ओपन करें। तो दोबारा से ओपन करने के लिए बस मैंने अपने गूगल के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि जो मेरा ट्विटर वाला अकाउंट है वो मैंने गूगल पर ही बनाया हुआ है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और क्लिक करने के बाद आगे मेरे ईमेल आएंगे। तो ईमेल में से मैंने उस ईमेल के ऊपर क्लिक करना है जिस ईमेल पे मेरा ट्विटर वाला अकाउंट बना हुआ है। तो अकाउंट मेरा लॉगिन हो चुका है, लेकिन अभी मैं करूँगा क्या, मैं दोबारा वापस जाऊँगा बी नेटवर्क पे। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, बाद आपने दोबारा फॉलो के ऊपर क्लिक करना है और जैसे ही फॉलो के ऊपर क्लिक करेंगे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे सेम उसी पेज पे जैसे कि आप पहले गए थे। अकाउंट आपका पहले लॉगिन होगा, इसलिए आपने अथोराइज ऐप के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये थोड़ी सी लोडिंग हो रही है, लोडिंग आपने होने देनी है। उसके बाद जैसे ही लोडिंग होगी आपने कर देना है इसको फॉलो। फॉलो यहाँ पर देखे मैंने कर लिया, बैक करूँगा वहाँ पर जहाँ पर मुझे कमांड मिली थी, ठीक है। फॉलो मैंने कर लिया, मैं अब करूँगा वेरीफाई। तो ये वेरीफाई के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही वेरीफाई के ऊपर क्लिक किया यहाँ पे देखें टिक बन गया। अब जो हमारा दूसरा टास्क है वो ये है कि हमने रीट्वीट करना है बी नेटवर्क को। तो रीट्वीट करने के लिए हम इसी के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जैसे कि आपको नीचे नज़र आ रहा होगा रीट्वीट, आपने रीट्वीट के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका दोबारा एक्स वाला अकाउंट यानी ट्विटर वाला अकाउंट ओपन हो जाएगा। लोडिंग होगी, लोडिंग होने देनी है। लोडिंग होने के बाद आपको दोबारा से एक कमांड आएगी रीपोस्ट की, तो आपने बस रीपोस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ी सी फिर लोडिंग होगी। रीपोस्ट करने के बाद आपने दोबारा इसको क्लिक करना है और आप चले जाएंगे बैक। अब बैक आने के बाद आपने दोबारा वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है और देखते हैं कि हमारा कोलैप्स की जगह गुड आता है या नहीं आता है। मैंने ये वेरीफाई के ऊपर क्लिक किया, लोडिंग होगी। लोडिंग होने के बाद ऑटोमेटिक गुड यहाँ पर आ गया। इसका मतलब ये है कि मेरे ये जो दो टास्क दिए गए थे मुझे, ये वाले मेरे हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कर दूँगा ये जो आपको नज़र आ रहा है ना क्लेम रिवार्ड, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा। बाद रिवार्ड आपका ऑटोमेटिक क्लेम हो जाएगा। आपने बस ये जो क्रॉस बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे आपने वापस चले जाना है, वापस जाने के लिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने क्लिक किया अब मैं वापस अपने होम पेज में जाऊंगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे कि वो आपको पहले मिल रहा था ना केवाईसी वेरिफिकेशन में एक मैसेज आ रहा था कि नेक्स्ट राउंड इज़ कमिंग सून, तो वो अब नहीं आएगा। जैसे कि ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया अभी मेरे सामने कुछ और ऑप्शन आएंगे, आपने इसको अलाउ कर देना वाइल यूजिंग दी ऐप। तो जैसे ही आप केवाईसी वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका क्लिक हो जाएगा और होने के बाद आपको ये दो टास्क दिए जाएंगे। अब इन दो टास्क में आपने करना क्या है, पहले टास्क की बात करें तो पहले टास्क में आपने कम से कम दो सोशल मीडिया अकाउंट बाइंड करने हैं। ट्विटर आपने लाजमी करना है, उसके बाद आप फेसबुक कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं या डिस्कॉर्ड भी कर सकते हैं। तो ये करने के बाद आपने दूसरा जो टास्क है उसको कम्प्लीट करना है।
मेरा पहले ऑलरेडी हो चुका है तो मैं कर लेता हूँ ऑथेंटिकेशन को कंप्लीट। तो ऑथेंटिकेशन को कंप्लीट करने के लिए आपने सिंपल ऑथेंटिकेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये जो टास्क है इसमें करना क्या है, आपने अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी है। जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। अब आप जहाँ से भी हैं, आप पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, जहाँ से भी हैं, आपने उस कंट्री को सिलेक्ट कर लेना। तो मैं पाकिस्तान के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। ये जी मैंने पाकिस्तान के ऊपर क्लिक कर दिया और मैं कर दूंगा इसको कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आपसे आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए कुछ प्रूफ मांगे जाएंगे। तो वो प्रूफ क्या है, या तो आप अपना आइडेंटिटी कार्ड लगा सकते हैं या फिर पासपोर्ट। तो मैं यहाँ पे अपना आइडेंटिटी कार्ड लगाऊंगा, इसलिए आपको भी यही कहूँगा कि आप अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कार्ड ही लगाएं। आईडी कार्ड के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया और ये कंटिन्यू मैंने कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर ऊपर आप अपना नेम लिखेंगे और नेम आपने वही लिखना जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है, और आईडी कार्ड के ऊपर जो आपका नंबर है वो आपने यहाँ पे नंबर लिखना है। तो ये दोनों चीज़ें मैं लिख के आपको बताता हूँ। तो ये जो हमारे दोनों टास्क हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। एक तो मुकम्मल कंप्लीट हो चुका है, हमने दोनों सोशल मीडिया अकाउंट बाइंड कर दिए हैं, और एक जो है ये अंडर रिव्यू आ रहा है। टेंशन नहीं लेनी, 14 दिन के अंदर अंदर आपका जो KYC वेरिफिकेशन है वो हो जाएगी, अगर आपने मेरी वीडियो को देख के फॉलो करके ही KYC की है। जी गाइस, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बी नेटवर्क में आपने KYC कैसे करनी है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरी KYC अप्रूव्ड हो चुकी है। मैंने रात को KYC की थी और सुबह में जब मैं उठा बी नेटवर्क से एक पॉपअप मैसेज आ चुका था कि आपकी KYC अप्रूव्ड हो चुकी। तो अभी हम देखते हैं कि हमारी बी नेटवर्क वाली KYC हुई है या नहीं हुई। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही ओपन किया आपने चले जाना है जी प्रोफाइल में, ये प्रोफाइल वाला आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही जाएंगे आपको एक मैसेज यहाँ पे शो हो जाएगा, KYC सक्सेस। ठीक है, अगर फिर भी आपको तसल्ली नहीं होती तो आपने थोड़ा सा ऊपर देखना है तो आपको एक टिक मार्क नज़र आ रहा होगा मेरी पिक्चर पे, ये देखें, ये है जी वो KYC वाला। तो मेरी KYC सक्सेसफुल हो चुकी है। आपने भी सेम स्टेप फॉलो करने हैं जैसे मैंने किए थे, किसी स्टेप को आपने स्किप नहीं करना और वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप करेंगे कोई ना कोई आपका स्टेप रह जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे व्लॉगिंग वाले चैनल में इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।